Andre. Oh, for sure. Yeah. Alright, so hey guys, once again welcome back to another amazing video of Road Rasher Rishabh. So ये है 10 days 10 videos के challenge का video number 2. अभी तक अगर आपने पहली video नहीं देखा है तो description में आपको link मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वो video check out कर सकते हो. बाकी अगर हम लोग बात करें आज की इस video में तो thumbnail और title देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग किस topic के ऊपर बात करने जा रहे हैं. So yes, we are going to talk about what is the difference between the radial tire and the non-radial tire. Although हम लोग non-radial tire को bias ply tire भी कहते हैं, cross ply tire भी कहते हैं, normal tire भी कह सकते हैं, non-radial tire भी कह सकते हैं, बाकी radial tire को radial tire ही कहते हैं. Well, इस वीडियो में हम लोग proper तरीके से describe करेंगे कि radial tire की construction कैसे होती है, normal tire की construction कैसे होती है, दोनों के बीच का difference ज़्यादातर क्या होता है, और अगर हम और आगे बात करेंगे हम लोग इसके pros and cons की, और last point जो मैं cover करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा important पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये मेरा मतलब है कि लास्ट पॉइंट में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट होगा, रेडियल टायर या नॉट रेडियल टायर. सो बने रहेगा इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. वेल, शुरुआत करते हैं यहाँ से बात करना. तो पहला हम बता दें कि रेडियल टायर और नॉर्मल टायर को आप पहचानोगे कैसे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है टायर की, टायर की मैन्युफैक्चर डेट, टायर का ब्रांडिंग और टायर का मॉडल ब्रांडिंग. सो यहाँ पे दी गई है. सो इधर ही साइड आपको कहीं रेडियल टायर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी. जिस टायर पे आपको रेडियल टायर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाए समझ जाइएगा वो टायर रेडियल है, और जहाँ पे आपको रेडियल की ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलेगी समझ जाइएगा वो नॉर्मल टायर है. वेल, अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की तो दोनों ही टायर्स में आपको पता होगा कि शेप देने के लिए वायर का इस्तेमाल करता है, पूरा रबर नहीं देखने को मिलता है आपको टायर में वायर्स का भी इस्तेमाल होता है जिससे कि एक टायर को प्रॉपर शेप मिल जाता है. सो अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की तो दोनों टायर में, सो पहले हम लोग बात करेंगे रेडियल टायर की, तो रेडियल टायर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस हिसाब से कंपोज की जाती है कि जो स्टील बेल्ट होती हैं वो रन अक्रॉस करती हैं रेडियली, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सली भी कह सकते हैं, वो बेड टू बेड ट्रांसवर्सली प्लाइस जो होती हैं एक दूसरे से चलती रहती हैं, जिसको हम स्पाइनल बाइंडिंग भी एक हिसाब से कह सकते हैं. आपको पिक्चर में देख सकते होगे जो रेड कलर की वायर्स हैं वो एक दूसरे से ट्रांसवर्सली चल रही हैं. ऊपर की तरफ आपको एक थिन स्टील लेयर देखने को मिल जाएगी, उससे ये वो ऑल्टरनेटिंग चलती है बॉडी कॉर्ड के, और वो क्रॉस करती है दोनों एक दूसरे को, और वो जो प्रेजेंट होती है सिर्फ वो थ्रेड पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ नहीं होती, सिर्फ ऊपर आपको देखने को मिलेगी. उससे ये फ़ायदा होता है कि जो साइड वॉल का एरिया होता है वो थ्रेड से वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. इस चीज़ का जो फ़ायदा है अभी मैं आगे बताऊँगा. बाकी मैं आगे बताऊँ, जो सेंट्रल थ्रेड लाइन होती है इधर साइड, वो सेंट्रल थ्रेड लाइन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के, मतलब रोड के और टायर के बीच का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है वो आपको 90 डिग्री के एंगल पर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका ग्रिप अच्छी बनी रहती है. सिंस जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलाउ करता है साइड वॉल को और थ्रेड को दोनों के फंक्शन को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए, क्योंकि जो स्टील बेल्ट्स होती हैं मैंने बताया रेडियली रन करती हैं दोनों एक दूसरे से, उससे ये फ़ायदा रहता है जो लो साइड वॉल का फ्लेक्स होता है वो फ्लेक्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है थ्रेड एरिया पर, जिससे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट काम करने लगते हैं. इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ग्रिप होती है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो जाती है, और इसके फ्लेक्सिबल होने के कारण अगर कॉर्नरिंग कर रहे हो आप अपनी मोटरसाइकिल से तो आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं खोगे. बाकी ये कंस्ट्रक्शन थी रेडियल टायर की. अब बात करते हैं बियास प्लाई टायर की, या नॉर्मल टायर या नॉन रेडियल टायर भी आप कह सकते हो. सो नॉर्मल टायर की कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से की जाती है कि जो इसमें वायर इस्तेमाल किया जाता है वो नायलॉन बेल्ट इस्तेमाल की जाती है. आपको पहले रेडियल टायर में आपको पहले वायर रेडियली देखने को मिलेगी, उसके बाद क्रॉस देखने को मिलेगी, बट इसमें जो नायलॉन बेल्ट का इस्तेमाल होता है दोनों में क्रॉस हैश टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. क्रॉस हैश से मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते चलती है, आप इमेज में भी देख सकते होगे. और इसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है, जो सेंट्रल थ्रेड लाइन होती है रोड से, उसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है वो 30 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में होता है. उससे ये होता है कि जो टायर होता है, जो टायर का थ्रेड लाइन होता है और जो टायर का थ्रेड एरिया होता है और साइड वॉल होते हैं दोनों एक दूसरे से नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं, जिससे कि टायर का जो साइड वॉल होता है वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है. इस कारण अगर आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हो नॉर्मल टायर से तो आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल खो भी सकते हो. सो दोनों की कंस्ट्रक्शन इतनी सी थी. बाकी अब हम लोग बात करते हैं आगे. सो प्रोस एंड कॉन्स के बारे में हम लोग बताएंगे. सो सबसे पहले हम लोग प्रोस में बात करें तो रेडियल टायर के प्रोस के हम लोग बात कर लेते हैं. सो यहाँ पे रेडियल टायर के प्रोस ये हैं कि जो टायर की कंस्ट्रक्शन होती है वो इस हिसाब से की जाती है कि आपका हाई स्पीड में या हाई लोड में भी आपका टायर कूल बना रहे. कूल से ये फ़ायदा रहता है कि आपका ये जो इधर फुटप्रिंट्स आप देख सकते हो ये जल्दी टर्न अप नहीं होते, जल्दी वैनिश नहीं होते.
सेकेंड पॉइंट में हम लोग हम बताएं तो जो स्टील बेल्ट होती है वो इस हिसाब से प्रोवाइड करी जाती है कि आपका पंचर टायर जल्दी ना हो, आपका टायर जल्दी रग्ड ना बने, इस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि जल्दी जल्दी आपका टायर पंचर ना हो। नॉर्मल टायर बहुत जल्दी पंचर हो जाता है। ये था सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो गुड फ्यूल एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने बताया कि टायर आपका गर्म नहीं होगा, जिससे कि टायर आपका टर्नअप जल्दी नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा रहता है कि आपका एक अच्छा माइलेज बाइक निकालती है, एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी निकालती है। बात करें चौथे पॉइंट में, वाइडर फुटप्रिंट होने के कारण जो टायर होता है काफ़ी ज़्यादा वाइडर होता है, रेडियल टायर, उससे ये फ़ायदा रहता है कि जो व्हीकल होता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इवन दो हाई स्पीड में अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो हाई स्पीड में अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर दिया तब भी टायर हेल्प कराता है गाड़ी को एक बैलेंस बनाने में, एक ग्रिप मेंटेन कराने में, जैसे कि आप क्रैश नहीं हो सकते होगे। सो ये इसके चार फायदे थे, चार एडवांटेजेस थे। अब बात करते हैं कॉन्स की, जो कि इसके डिसएडवांटेज। सो जो साइड वॉल होता है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जो कि जल्दी डैमेज होने के भी कारण इसके हो सकते हैं। जो साइड वॉल होता है रेडियल टायर का, वो इस हिसाब से फ्लेक्सिबल किया जाता है कि आप कॉर्नर तो कर लो, बट उस कॉर्नर से आप, ये भी होता है कि फ्लेक्सिबल होने के कारण वो टायर उधर की साइड जल्दी डैमेज भी होने लगती है। सो पहला पॉइंट ये था, इसके लेस फ्लेक्सिबल होने के कारण जल्दी ये इधर साइड से डैमेज होता है। पॉइंट नंबर टू के बारे में बात करें तो पॉइंट नंबर टू, जैसे जब आपका टायर धीरे धीरे वैनिश होने लगेगा तो आपका जो टायर है वो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करना पड़े नॉइस प्रोड्यूस करने लगेगा, जो कि थ्रेड एरिया काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिससे कारण आप अगर ब्रेकर वेकर से निकलोगे या कहीं गड्ढे अड्ढे से निकलोगे वो टायर बहुत ज़्यादा नॉइस करने लगेगा, जिससे कि आपकी गाड़ी से काफ़ी, जिससे कि आपके टायर से नॉइज़ आने लगेगा और एलॉय में भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। सो दो इसकी डिसएडवांटेजेस थे। बात करें एडवांटेजेस के बारे में, पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा, इसमें आपको टफ साइड वॉल देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया तो थ्रेड एरिया और साइड वॉल के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि जो आपका साइड वॉल होता है काफ़ी ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, या टफ भी आप कह सकते हो। इससे टायर जल्दी डैमेज नहीं होता है, टायर जल्दी डैमेज होने के चांसेस नहीं आते, क्योंकि इसमें क्रॉस हैच कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस कारण आपका टायर इधर साइड से ज़्यादा जल्दी डैमेज नहीं होता है। बाकी अगर हम लोग बात करें आगे, तो जो नॉर्मल टायर होता है उसमें आपको एक फ़ायदा और रहता है कि आप रफ रोड पे भी काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हो, आपकी स्टेबिलिटी अपनी टायर की नहीं खोगे। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था डिसएडवांटेजेस में, जो कि डिसएडवांटेज रेडियल टायर का था। तो रेडियल टायर में आपका नॉर्मल रोड पे बहुत अच्छी दौड़ेगी, बट अगर आप इसको ऑफ रोड में थोड़ा सा निकाल रहे हो तो आपका टायर बिल्कुल अच्छे काम नहीं करेंगे, आपके टायर जल्दी डैमेज होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। बट नॉर्मल टायर में ये नहीं होता है, नॉर्मल टायर आप रफ़ एरियाज़ में भी काफ़ी अच्छे से निकाल जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टायर जल्दी डैमेज नहीं होगा, काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी भी इसकी बनी रहेगी। बाकी अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट लेस एक्सपेंसिव ये टायर आपको देखने को मिलेगा। रेडियल टायर की जो कंस्ट्रक्शन होती है काफ़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल टायर से, सो इस वजह से वो थोड़ा सा महंगा भी आता है, और उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। जैसे आप कॉर्नर में लूज़ नहीं अपना करोगे ट्रैक्शन, और जल्दी वो वैनिश नहीं होता है, उसके फुटप्रिंट्स जल्दी वैनिश नहीं होते हैं। सो इस वजह से रेडियल टायर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट नॉर्मल टायर काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल टायर आपको लेस एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कॉन्स के, तो कॉन्स में अगर हम लोग बात करें नॉर्मल टायर के, तो जो फुटप्रिंट्स होते हैं और जो थ्रेड एरिया भी हम लोग इसको कह सकते हैं, वो बहुत जल्दी वैनिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टायर होता है वो चलते चलते बहुत जल्दी गर्म होता है, नॉर्मल टायर रेडियल टायर से ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है। इससे ये होता है कि टायर आपका जल्दी वैनिश आउट होने लगता है, जो टायर के फुटप्रिंट्स होते हैं बहुत जल्दी वैनिश आउट होने लगते हैं, और जो थ्रेड एरिया होता है वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसके कारण आपका टायर जल्दी जल्दी आपको चेंज करवाना पड़ता है। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरी बात अगर दूसरे पॉइंट में बात करें, तो हाई रोलिंग रेसिस्टेंस में ये काफ़ी कम फ्यूल इकोनॉमी आपको देगा। हाई रोलिंग रेसिस्टेंस में मेरा मतलब ये था कि अगर आप जैसे हैवी लोड में चला रहे हो और टायर जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, उसके कारण आपका टायर बहुत कम माइलेज गाड़ी को निकाल के देगा, आपकी बाइक बहुत कम माइलेज देगी इसके लोड की वजह से। और अगर हम लोग बात करें लास्ट पॉइंट की, साइड वॉल के नॉन फ्लेक्सिबल होने के कारण आपका टायर आपको एक अच्छी
कॉर्नरिंग नहीं देगा, और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपके पास नॉर्मल टायर है और आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी कॉर्नरिंग ना करो, क्योंकि इससे आपका ट्रैक्शन खोना होना लूज़ रहेगा। रेडियल टायर में क्या होता है, जो साइड वॉल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल किए जाते हैं, जिससे कि आप अगर कॉर्नरिंग कर रहे हो तो इधर की लाइन वो काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट बना लेती है रोड से, जिसके कारण आप ईजी टू कॉर्नरिंग कर निकल जाते हो। बट अगर आप नॉर्मल टायर से कॉर्नर कर रहे हो तो नॉर्मल टायर से आप ना करिए, क्योंकि इसके जो साइड वॉल होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इससे क्रैश होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं और आप अपना ट्रैक्शन का लूज़ भी कर सकते हो। बाकी इतने ही पॉइंट्स थे, इतने ही कॉन्स थे दोनों के बीच के। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर डेली यूज़ में आप नॉर्मल टायर और रेडियल टायर भी यूज़ कर रहे हो तो दोनों में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आएगा। हाई स्पीड में आपको रेडियल टायर की काफ़ी अहमियत पता चलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टायर। बट अगर आपकी बाइक एक हाई परफॉर्मेंस सीसी की है, एक हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, सो आपके जो टायर होने चाहिए वो रेडियल होने चाहिए, क्योंकि आप उससे कॉर्नर तो एक बार ना ज़रूर करोगे, अगर आप नहीं भी कॉर्नर करते हो तो एक बार हाई स्पीड में भी आप ज़रूर चलाओगे। सो उसमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको रेडियल टायर ज़रूर लगवाना चाहिए। ऑल्दो उसके कॉन्स भी हैं, बट प्रोज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। नॉर्मल टायर आपको माइलेज नहीं देखने को मिलेगा, उसमें एक अच्छी कॉर्नर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान है आपकी बाइक के लेते हुए। आपको कि अगर बाइक अगर हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है तो आपको रेडियल टायर ही पड़वाना चाहिए। बाकी अगर आपका एक डेली कम्यूटिंग की मोटरसाइकिल है तो आपको नॉर्मल टायर काफ़ी सही रहेंगे, आप नॉर्मल टायर ले सकते हो। बाकी हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है तो आपको रेडियल टायर उसमें डलवाना चाहिए। बाकी यहाँ से हम लोग करेंगे वीडियो एंड, तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।